मेरा नाम डॉक्टर अजीज जीवानी है और मैं मेंबर हूँ आगा खान हेल्थ बोर्ड फॉर पाकिस्तान का। आजकल एक सवाल कोविड 19 के सिलसिले में बहुत लोग सवाल कर रहे हैं और वो ये है कि हमें मास्क पहनने की ज़रूरत क्यों है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमने तो वैक्सीन लगाई हुई है, हमें मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है। इसका बहुत सादा सा जवाब है, मास्क का पहनना पहले भी ज़रूरी था लेकिन अब पहनना और ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक वजह है, इस वक्त जो वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट वायरस जो ओरिजिनल वायरस था उसके मुकाबले में ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा कंटेजियस है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत तेज़ी से फैलता है। कुछ अलामत वही हैं जो पहले ओरिजिनल वेरिएंट के साथ चल रही थी, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है उसके साथ कुछ नई अलामत भी आई है, जैसे नाक का बहना, नाक मुस्तकिल बहती रहती है, जैसे गले के अंदर सोजिश हो जाना जिसको सोर थ्रोट भी कहा जाता है, जिस्म का दर्द होना, ओपकाई आना, उल्टी जैसा महसूस होना और दस्त का आना। आपको एक और बात बताता चलूँ कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई हुई है उनमें कोविड 19 की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैक्सीन का फ़ायदा यह है कि वैक्सीन हमारे अंदर कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है वो सब की सब मौसर है और आपको कोविड 19 की बीमारी का जो पेचीदगियाँ पैदा होती है उससे बचाती है। कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो वैक्सीन सेंटर्स जाकर वैक्सीन हासिल कर सकता है। तो वैक्सीन लगाना लाजमी है, इससे आपको भी और आपकी फैमिली को भी बचाया जा सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही कोविड 19 की बीमारी के अलामत शुरू हो आप जल्द से जल्द अपने करीबी डॉक्टर से राबता करें ताकि आपका इलाज शुरू किया जा सके।